मध्य प्रदेश में बिजली दरों में हुई वृद्धि और उस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा टूटकर सरकार पर साधे गए निशाने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि यदि हम बिजली की दरों को तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 7% की वृद्धि हुई थी। जब हमारी सरकार बनी तब हमने 2021 में 2% की लगभग वृद्धि की। देखिए बिजली की दरें आप तुलनात्मक देखिएगा, 19-20 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 7% वृद्धि हुई थी और आज जब हमारी सरकार बनी तो 2021 में हमने 1% वृद्धि की। 21-22 में हमने वृद्धि जो है 0.4 की और आज जो वृद्धि हुई है वो 2.64% हुई है। वो भी वृद्धि होने का कारण कोयले की दर है, स्टाफ की सैलरियां बढ़ी हैं, ये सब चीज़ें हैं। तब भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में बिजली की दरें जिस तरीके से हम अंकुश लगाते जा रहे हैं कि हम दर ना बढ़ाएं, ये कोशिश हमारी होगी। कमलनाथ जी को ये पूछना चाहिए जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 7% वृद्धि क्यों की थी। हम तो 3 वर्ष में उनके बाद वृद्धि टोटल 7% नहीं हो रही है, वो जोड़ ले आप। कमलनाथ जी पहले इसका जवाब दें। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।